Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 6, that is MySQL functions of Information Practice Grade 12. We are actually going to discuss type B questions, that is short question and answers. All the questions are taken from Sumita Arora textbook, and this is part number 2 for this particular chapter solutions. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब येट. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 1. इट इज सेइंग गिवन द फॉलोइंग टेबल. नाउ यू सी दिस इज माई टेबल एंड इस टेबल का नाम है क्लब. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल इट इज आस्किंग यू टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे चार डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं. इन चारों का आउटपुट क्या होगा हमें यह बताना है. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट एलकेस स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब. यहां पर आप देखेंगे हमने इस्तेमाल किया है एलकेस फंक्शन का. हम जानते हैं एलकेस फंक्शन का इस्तेमाल होता है किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करने का. इसका मतलब यह है कि जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जितने भी स्पोर्ट्स की वैल्यूज हैं ये सारी स्मॉल लेटर्स पे आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे. चलिए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम MySQL सर्वर में चलते हैं और वहां पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. हमने MySQL सर्वर को ओपन कर लिया है. चलिए अब मैं इस क्वेरी को जल्दी से लिख लेता हूं. सो दिस इज माई क्वेरी. चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं. इट इज शोइंग यू द एरर बिकॉज मैंने स्पोर्ट्स की स्पेलिंग गलत कर दी. मैं इसे जल्दी से ठीक कर लेता हूं. सो इट शुड बी SPORTS. अब मैं इसे रन करता हूं. अब आप देखेंगे इसमें जितने भी स्पोर्ट्स की वैल्यू हैं वो सारी स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले हो रही है. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. सेलेक्ट मोड एज कॉमा 5 फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इक्वल टू F. अब आप देखेंगे यहाँ पे जिस फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है दैट इज माई मॉड फंक्शन. नाउ सबसे पहले तो बात आती है वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस मॉड. देखिए जब मॉड फंक्शन होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर्स. नाउ जब भी हम मॉड को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो वैल्यूज हम लेते हैं. पहला होता है हमारा डिविडेंड और दूसरा होता है जिसे हम जानते हैं डिविजर के नाम से. सो नाउ जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस मॉड फंक्शन ये जो एज है ये डिवाइड होगा 5 से और उसका जो रिमाइंडर होगा वो ये क्वेरी डिस्प्ले करेगा. तो चलिए इसे भी हम MySQL सर्वर में रन करके देखते हैं. सो दिस इज माई क्वेरी. चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ यू कैन सी इसने एज को डिवाइड किया 5 से और उसके रिमाइंडर को यहां पर डिस्प्ले कर दिया. अगर मैं इस क्वेरी में इस 5 की जगह यदि 4 लिख दूं देन सी व्हाट हैपेंस. अब आप देखेंगे ये आपको डिस्प्ले कर रहा है 2, 0 और 1. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 34. वेन यू ट्राई टू डिवाइड इट बाई 4 सो इट विल डेफिनेटली रिटर्न यू 4 8 जा 32 रिमाइंडर इज माई 2. इट मीन्स आवर क्वेरी इज रनिंग वेल. सो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. सेलेक्ट पावर 3.2 फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट इक्वल टू कराटे. यहां पर हम बात कर रहे हैं पावर फंक्शन की. नाउ वी ऑल नो पावर इज ऑल अबाउट यू नो एक्स का पावर वाई. सो इसका मतलब इट विल रिटर्न यू 3 का पावर 2 दैट मीन्स 9. बट जहां जहां पर स्पोर्ट्स की वैल्यू कराटे है उन्हें ही सिर्फ ये 9 डिस्प्ले करेगा. सो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर 9, 1, 2, 3 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा. चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर में चलकर. सो ये मैंने क्वेरी लिख ली है. अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं. इट इज शोइंग यू द एरर बिकॉज मैं फिर से स्पोर्ट्स में मैंने गलती कर दी है. इट इज एक्चुअली स्पोर्ट्स. अब मैं इसे रन करता हूं. अब आप देखेंगे ये 9 को 4 टाइम डिस्प्ले कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हम पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट सब एसटीआर कोच नेम कॉमा 1.2 फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ ऐप इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर डेट. अब यहां पर हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है सब एसटीआर. नाउ वी नो दैट सब स्ट्रिंग फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग. नाउ स्पेसिफिक पार्ट का मतलब दिस इज द फील्ड जिसका हमें स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है. दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट मतलब किस पोजीशन से हमें एक्सट्रैक्ट करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो यहां पे लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कोच नेम इज दिस और इसके ये फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा
स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना और कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, टू कैरेक्टर्स। नाउ यहां पर ये बोल रहा है डेट ऑफ ऐप शुड बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर डेट, तो मतलब 31 जनवरी के बाद से जितने भी हमारे कोच नेम है सिर्फ उनके फर्स्ट टू कैरेक्टर को आप डिस्प्ले कर दो। तो चलिए अब इसे हम रन करके देखते हैं हमारे सर्वर में। Now my query is ready. Let's try to execute and see the result. So now you can see here it is showing only first two characters of the result. Now अगर मैं इस query को थोड़ा सा change कर दूं, suppose that मैं यहाँ से ये सारी conditions को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं coach name start करता हूँ, two की जगह अगर मैं इसे three कर दूं या four कर देता हूँ, then अगर मैं इसे execute करूँ, then you see कि ये first four characters को आपको क्या कर रहा है, display कर दे रहा है। So this is how we can understand what is the purpose of this substr and what would be the result of this particular string. So let's move to the next question now. Again it is saying that given the following table, यहाँ पर हमारे पास ये student 1 के नाम से एक table ready है, इस table की basis पे हमें इन 4 different queries का result देखना है। Now सबसे पहले हम बात करते हैं question 1 की। Now it is saying that select truncat average mark from student. Now here we are using what? Truncat function. Okay. Now what is this truncat basically? Truncat को हम लोग basically use करते हैं float value के साथ में। For example, जैसे मेरे पास एक float value है 12.234। अब मुझे display करना है decimal के बाद सिर्फ एक digit को, तो वहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा truncat function का। जैसा कि अगर मैं लिख देता हूं truncat 12.234, 1, तो इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी 12.2। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज व्हाट दिस truncat फंक्शन। एक बात और होती है कि जब हम truncat टेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस truncat टेबल एंड द नेम ऑफ टेबल सेट क्लब, सो हियर व्हाट हैपेंस, ये इस क्लब के सारे डेटा को डिलीट कर देता। सो आप इन दोनों में डिफरेंस को याद रखें। यहां पर हमने इस फंक्शन को इस्तेमाल किया है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस लाइन और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट द एरर। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज हमने यहां पे truncat तो लिया है, फील्ड का नाम तो डिस्प्ले किया है, लेकिन कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें डेसिमल के बाद चाहिए वो हमने यहां पर मेंशन नहीं किया है, दैट्स व्हाई ये एरर शो करेगा। हां अगर हम एवरेज मार्क के साथ कॉमा लगा के यहां पे लिखते 2, देन ये एग्जीक्यूट होता और यहां पर इसके बाद इस वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज के फॉर्म में ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता। चलिए इसे सर्वर में चल के एग्जीक्यूट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस क्वेरी को यहां पे लिख लेता हूं, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो देन यू सी यहां पर ये हमको एरर शो कर रहा है। अब यदि मैं इस truncat फंक्शन में यहां पर इसके साथ मेंशन कर दूं 2 को, देन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन यू सी कि यहां पर हर एक एवरेज मार्क के डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज को या 2 डिजिट्स को ये डिस्प्ले कर रहा है। नाउ अगर इसी क्वेरी में अगर मैं यहां पे 2 की जगह 0 अगर कर देता हूं, देन यू ऑब्जर्व कि यहां पे ये पूरा एज ए राउंड हमने कर दिया, कुछ इस तरह से ये वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। सो आई होप आपको ये truncat फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेलेक्ट राउंड एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर ग्रेड इक्वल टू बी। अब यहां पर ये सिंपली यूज कर रहा है हमारा राउंड फंक्शन को। नाउ वी ऑल नो दैट राउंड इज बेसिकली यूज फॉर राउंडिंग ए गिवन नंबर। सो लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि राउंड के साथ में भी हम बता सकते हैं कि कितने फिगर में हमें राउंड करना है। चलिए मैं इसे सर्वर में एग्जीक्यूट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ हियर आई राइट दिस क्वेरी फर्स्ट। सो दिस इज माई क्वेरी, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सो नाउ यू सी इसने आपके फ्लोटिंग वैल्यूज को राउंड फिगर में डिस्प्ले कर दिया है। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे लिख दूं एवरेज मार्क्स कॉमा 1, देन यू सी द डिफरेंस। एक्चुअली मैंने कॉमा की जगह डॉट लगा दिया, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे अब ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट वैल्यू के साथ इसे राउंड करने की कोशिश कर रहा है। सो इट मींस आप राउंड को कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट कॉनकैट नेम स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर ग्रेड इक्वल टू बी। तो अब यहां पे तो वी नो वेरी वेल दिस कॉनकैट इज बेसिकली यूज्ड टू कंबाइन
मल्टीपल स्ट्रिंग्स टुगेदर, तो अगर हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नेम और स्ट्रीम दोनों की वैल्यू को आपस में कंबाइन करके आपको डिस्प्ले कर देगा। चलिए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज माई क्वेरी, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। सो नाउ यू सी कि यहां पर इसने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेलेक्ट राइट स्ट्रीम कॉमा टू फ्रॉम स्टूडेंट वन। बट यहां पर आप देखेंगे मैंने ये मिस्टेक कर दी है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं, इट इज राइट एक्चुअली। नाउ व्हाट इज दिस राइट फंक्शन एक्चुअली? सब स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। राइट फंक्शन भी बेसिकली वी कैन यूज विद द स्ट्रिंग्स, बट ये क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है राइट स्ट्रीम कॉमा टू। सो मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज माई स्ट्रीम फील्ड। इसके हर एक वैल्यूज को राइट साइड से टू कैरेक्टर्स को आप एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दो। तो अगर हम इसे रन करके देखें, नाउ दिस इज माई क्वेरी, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब आप देखेंगे इसने हर एक स्ट्रीम के राइट साइड से टू कैरेक्टर को आपको एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर दिया। नाउ इसी क्वेरी में अगर मैं यहां पे टू की जगह इसे थ्री कर दूं या फोर कर देता हूं, देन सी व्हाट इज द आंसर। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग। सो ओवरऑल राइट फंक्शन का पर्पज आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर अगेन इट इज सेइंग दैट गिवन द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास एक लाइब्रेरी नाम का टेबल है और उसकी बेसिस पे इन क्वेरीज का आउटपुट क्या होगा वो हमें देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट अपर टाइटल फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर प्राइस इज लेस देन 150। नाउ सबसे पहले हियर अपर, नाउ व्हाट इज दिस अपर फंक्शन? ऑब्वियसली ये जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनको ये अपर केस में आपको डिस्प्ले करेगा या बोलना चाहिए कैपिटल फॉर्म में। सो जितनी भी प्राइस जिनका 150 से कम होगा उनके सारे टाइटल्स को ये कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले कर देगा। जल्दी से इसे भी रन करके देख लेते हैं। सो दिस इज माय क्वेरी, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट इज शोइंग यू द एम्प्टी सेट बिकॉज मैंने यहां पे इक्वल टू लगा दिया है। अगर मैं यहां पर इसे कर दूं लेस देन 150 एंड देन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो अब आप देखेंगे ये सही तरीके से सारी टाइटल्स को कैपिटल फॉर्म में आपको डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सेलेक्ट कॉन्कैट ऑथर कॉमा टाइप फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 3। सो नाउ वी ऑल आर फैमिलियर विद कॉन्कैट फंक्शन, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके आंसर को डिस्प्ले कर देगा। सो इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज माई क्वेरी, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखेंगे इसने ऑथर और टाइप को भी कंबाइन कर दिया है और केवल उन वैल्यूज को यह डिस्प्ले कर रहा है जिनकी क्वांटिटी लेस देन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट मॉड क्वांटिटी कॉमा 4 फ्रॉम लाइब्रेरी। तो एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन की मॉड इज यूज फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर, तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको 4 से डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर होगा उन वैल्यूज को ये डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज माई क्वेरी, नाउ एग्जीक्यूट इट। सो नाउ यू कैन सी इसने सारी क्वांटिटीज को 4 से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर है उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनका आउटपुट क्या होगा, जितने भी फंक्शंस हमने देखे उनका पर्पस क्या है, कैसे उसे यूज करना है। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा MySQL फंक्शंस को समझने में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसी टॉपिक पे बेस्ड अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।